देखिए रिजल्ट्स हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है रिजल्ट्स के लिए, और तो उस पर जाकर तुरंत देख सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन्स भी लगाएंगे, और आपके माध्यम से जो मीडिया सेंटर है हमने पासेस जारी किए, लगभग 500 के आसपास पासेस जारी किए, सभी जिलों में मीडिया सेंटर्स होगा, उनको हम लोग जो आपको मीडिया सेंटर पे तुरंत बाहर स्क्रीन्स लगाकर और जो मीडिया साथियों को देंगे उनके मार्फ आपके मार्फत भी और हमारी वेबसाइट से भी आम जन तक और जो भी जानना चाहेंगे उनको रिजल्ट त्वरित गति से देने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट का नाम वो है रिजल्ट्स, मैंने आपके ग्रुप में डाला था, मेरे ख्याल से अभी आपको डाला है ग्रुप में, आपने देखा होगा। ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आपको प्रेस नोट में भी दे देंगे, इसमें इसमें सारा आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है results.eci.gov.in, ये सारे 5 राज्यों का भी दिखाएगी और साथ साथ हम लोग इसको अपडेट करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में आपको जो राउंड वाइज और जो दिया जाता है टेबल वाइज वो भी वहाँ पासेस जारी किए गए, वो भी आपको तुरंत देंगे, जिसके जिसे आप उनके मार्फत अपने मार्फत आप अपने मीडिया और उसके साथ स्क्रीन भी बड़ी लगाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द राउंड वाइज जो सही रिजल्ट है वो आपको राउंड वाइज रिजल्ट दे सके। एग्जिट पोल के लिए 5:30 है, हम लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं, और अभी अभी टाइम चेंज किया था, पूर्व में शायद टाइम था, तो अभी आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टाइम को कुछ चेंज किया है, तेलंगाना का इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है उसके आधार पर 5:30 के बाद शायद एग्जिट पोल का डेटा आ सकेगा। होम वोटिंग का जो नवाचार था जी, मैं कितने मतदान हुआ महिला होम वोटिंग का जो नवाचार किया, करीब 63,000 लोगों ने उसमें अपना विकल्प लिया था, 12,000 हमारे दिव्यांगजन थे और लगभग 50,000 51,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन थे, और जो सीनियर सिटीजन्स का रेशियो था वो 70-30 था, जैसा उनका रेशियो है वोटर्स के रूप में भी, तो 70% के आसपास महिलाएं थी और 30% पुरुष थे, दिव्यांगजन में करीब बराबर था, लगभग 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं थी। प्रदेश में टोटल पोस्टल बैलेट लगभग कितने पड़े होंगे? प्रदेश में टोटल बैलेट वोट बोर्ड अभी मैंने आपको जानकारी दी, 4,36,614 हमारे पोस्टल बैलेट हैं जिनका हमने जिलेवार और आरओ वाइज उसकी मतलब वोट पड़ गए और वो अपने अपने जिलों में पहुंच भी गए।